यह बात 1867 की है, जब साउथ अफ्रीका के लोगों को भास भी नहीं था कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो खजाने से भरी हुई है। 1867 से पहले लोगों का मानना था कि सारे कीमती खजाने और हीरे ब्राज़ील के अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन एक दिन बच्चों की टोली ऑरेंज रिवर के आसपास स्टोन से खेल रही थी, तभी एक बच्चे को चमकीला स्टोन मिला। एक दो महीने तक वह बच्चा उस चमकीले स्टोन से खेलता रहा। एक दिन उसकी माँ की नज़र उस चमकीले स्टोन पर पड़ी। उसे भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय तक साउथ अफ्रीका के लोगों ने हीरे के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। उसने वह चमकीला स्टोन पास के दुकानदार को दिखाया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस दुकानदार को यह चमकीला पत्थर बहुत पसंद आया। उसने इसके बदले में बच्चे की माँ को कुछ पैसे दे दिए। उस दुकानदार ने वह चमकीला पत्थर आसपास के लोगों को दिखाया। फिर यह पत्थर उस समय के सिविल कमिश्नर के पास आया। कमिश्नर ने उसे एक फिजिशियन के पास भेज दिया, जो मेटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करते थे। वहाँ से पता चला यह चमकीला पत्थर एक डायमंड है, जो 21 कैरेट का था। साउथ अफ्रीका के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि साउथ अफ्रीका में डायमंड कैसे मिल सकता है। उसके बाद वहाँ के लोगों ने नदी के आसपास के एरिया में खुदाई शुरू कर दी, और देखते ही देखते बहुत से डायमंड वहाँ से निकले। फिर 1905 में प्रीमियर माइन, जो कि हीरे की खान थी, उसके सुपरिटेंडेंट जब वहाँ रूटीन इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, तब उसे तारों की चमक से कुछ चमकता हुआ नजर आया। यह चमकीला पत्थर जमीन से 15 फुट नीचे था। जब उस चमकीले पत्थर को इंस्पेक्शन के लिए भेजा गया, तब पता चला वह एक हीरा था। यह हीरा उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, जिसे क्लिनन नाम दिया गया, जो कि 3100 कैरेट का था। वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ट्रांसवाल ने इस हीरे को खरीद लिया, क्योंकि ट्रांसवाल गवर्नमेंट ये हीरा ब्रिटेन के किंग को जन्मदिन पर देना चाहती थी। अब दिक्कत यह थी, इसे इंग्लैंड पहुँचाया कैसे जाए, क्योंकि बहुत से चोरों डकैतों की नज़र इस हीरे पर थी। फिर इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत उन्होंने एक समुद्री जहाज के चारों ओर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी, और पब्लिकेशन भी कर दी गई कि हीरा इसी जहाज से होकर इंग्लैंड पहुंचाया जाएगा। यह तरीका था चोरों और डकैतों को गुमराह करने का, क्योंकि पहुंच जाने के बाद इंग्लैंड की सरकार ने खबर दी कि असल में डायमंड उस जहाज से लाया ही नहीं गया था। असली क्लिनन हीरा पोस्ट ऑफिस से एक प्लेन बॉक्स में रखकर भेजा गया था। इस बात का पता पोस्ट ऑफिस वालों को भी नहीं था। यह हीरा महज एक भरोसे पर भेजा गया था। हीरे के इंग्लैंड पहुंचने के बाद दिक्कत कम नहीं हुई थी। अब इस हीरे को काटा कैसे जाए और डिजाइन कैसे किया जाए? तब डेनमार्क के एक्सपर्ट जोसफ को बुलाया गया, जिससे पहले भी वो एक बड़े हीरे को काट चुके थे। उन्होंने 6 से 7 महीने तक इस हीरे के बारे में अध्ययन किया। कहा जाता है जब ये पहली बार इसे काटने लगे, तब उनके स्टील का चाकू टूट गया था, लेकिन हीरे के ऊपर कोई निशान भी नहीं आया था। लेकिन उसके बाद दूसरे प्रयास में प्लान के तहत हीरे की कटिंग की गई। ऐसा कहा जाता है कि जोसफ खुशी के मारे बेहोश हो गए थे। इस क्लिनन हीरे को 9 बड़े हिस्सों में काटा गया, और इसके 100 से ज़्यादा छोटे टुकड़े बने थे। सबसे बड़े टुकड़े को स्टार ऑफ अफ्रीका नाम दिया गया था। इसमें से एक टुकड़े को महारानी की लाठी के ऊपर सजाया गया, और दूसरा टुकड़ा मुकुट के ऊपर लगाया गया। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल द हिंदी लॉजिकल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।